प्रथम तो पूछा था देवता लोग भी किसको नमस्कार करते हैं, जिसके हृदय में दया की प्रधानता, जो जीव मात्र पर दया करता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, दया करने से वो महात्मा हो जाता है। दया करने से क्या होता है, एक तरह से दया करने से वो ईश्वर हो जाता है ना। केवल स्वार्थ की पूर्ति करना ये तो है जीवपना, और दूसरे का हित करना ये क्या है, ये ईश्वर पर। स्वयं खाना ये जीवत्व है, और भूखों को खिलाना ये क्या है, ये ईश्वरत्व। खा करके प्रसन्न होना जीवपना है, और खिला करके प्रसन्न होना ये क्या है, ईश्वर। तो इसलिए जो दया प्रधान है वह क्या है, वह महात्मा है, वह ईश्वर है, और उसको देवता भी नमांसि कुर्वन्ति, नमन करते हैं। और फिर पूछा था कि बुद्धिमान को किस से उद्वेग करना चाहिए, किस से व्याकुल होना चाहिए, किस से वैराग्य करना चाहिए, किससे करना चाहिए, संसार अरण्य से। ये जो संसार है ये क्या है, जंगल है, और बड़ा ही भय और दुख प्रदाता जंगल है। विचार करे तो क्या है, दुख ही दुख है, दुख से ही पूरी है ना। सबका सब वियोग नाश ये होना अंतिम परिणाम है ना, जो कुछ मिला है वो सबका सब का वियोग छूटना निश्चित है या अनिश्चित है। तो विचार करे तो ये जो जगत है क्या है, दुख रूप भय प्रदाता है, इसलिए जो बुद्धिमान है वो इसमें राग नहीं करता, इससे वैराग्य करता है, और अविनाशी को खोजता है, अविनाशी को पाना चाहता है। कौन, बुद्धिमान। तो जो जो रागी हुए वे क्या हुए, बुद्धिहीन, और जो जो राग रहित हुए वे सब क्या हुए,
अब आप देख लीजिए कहाँ नाम लिखवाना है आपको, कह जी हम तो बुद्धिहीन होना ही पसंद करेंगे। सारी दुनिया जो है वो क्या होना पसंद करती है, स्वयं की च्वाइस है ना, या किसी ईश्वर की, ईश्वर ने चिपका दिया है, किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने चिपका दिया क्या आपके राग या मोह, या आप, आपकी च्वाइस है जी। मैंने समझा कभी किसी भगवान ने चिपका दिया है, भगवान करता है ना सारी, जो गड़बड़ गड़बड़ करता है वो भगवान करता है, और जो अच्छी अच्छी करते वो आप करते है ना, ऐसा ही है ना। तो भगवान है, भगवान बेचारा छिप गया है, भगवान ने क्या किया, ये तो बड़े दुष्ट लोग हैं, और ये तो क्या कह रहे हैं कि जो खराब खराब किया वो किसने किया, भगवान ने, और जो बढ़िया बढ़िया करता है वो मैं करता हूँ। भगवान ने कहा मिल गया ना मार डालेंगे हैं, इसीलिए कहाँ छिप गया, आपके हृदय में छिप, कहाँ छिप गया भगवान हैं, आपके हृदय में, क्योंकि व्यक्ति सब जगह ढूंढता है, कहाँ नहीं ढूंढता है, अपने घर में नहीं ढूंढता ना, अपने हृदय में तो खोजता नहीं है, बाकी देश विदेश लोक परलोक सब जगह भगवान को खोज रहा, और बाकी वैसे ज़्यादा मतलब भी नहीं लोगों को भगवान से, भगवान से थोड़ा मतलब है, भगवान के माल से मतलब है, भगवान से मतलब भगवान के माल से है, मैं कहता हूँ ना बुड्ढों से मतलब नहीं है, मतलब किससे, बुड्ढों के माल से मतलब है ना है? सारा कुछ ले लेते बुड्ढों का, बुड्ढों से किसी को कोई मतलब नहीं है, तो वैसे भगवान से मतलब है किसी को, ऐसे लोग तो बहुत थोड़े हैं जिनको मतलब किससे है, ज़्यादा लोगों का मतलब तो भगवान के माल से, संसार से, और ये सारा का सारा माल जो है ना कैसा है, नाशवान आसार और दुख रूप, सारा माल, माल सारा नाशवान है, मालिक जो है वो अविनाश, इसलिए मालिक को खोजना चाहिए ना, तो माल सारे माल का मालिक कहाँ बैठा है, आपके घट में बैठा, और उसकी सत्ता से ही सब हो रहा है, आंखें देख पा रही है, वाणी बोल पा रहा है, मन बुद्धि भी अपना अपना काम कर पा रही है, किसकी सत्ता से, उस मालिक की सत्ता से, तो वो जो मालिक है ना वो कैसा है, वो निराकार निर्विकार और सूक्ष्म और निर्गुण और निरुपाधिक और निर्विशेष और अविनाशी, उस मालिक को खोजना चाहिए है ना। हाँ, तो इसलिए संसार जंगल से क्या करता है, विवेकी उद्वेग करता है, व्याकुल होता है, वैराग्य करता है कि संसार तो जंगल है। अच्छा जी, फिर पूछा था किसके वश में सारे प्राणी समुदाय किसके वश में होता है, जो सत्य और प्रिय बोलता है और जो विनीत है, जो विनयशील होता है ना, सबसे छोटा बन के रहता है, सबके सब उसको क्या करते हैं, सब प्यार करते, सब आशीष देते नहीं, छोटा बन के रहता, मार्कंडे के लिए आता है ना, मार्कंडे बहुत अल्पायु थे, मार्कंडे 8 वर्ष की आयु रहेगी बस, जीवन कितना रहेगा 8 वर्ष। उनके पिताजी मृकंडू को पता लगा कि भाई बालक की आयु तो बहुत थोड़ी है, कैसे बालक, पुत्र का वियोग बड़ा पीड़ादायक है पिता के लिए, कैसे हो गए, विधाता का लेख कैसे मिटे जो इसके प्रारंभ में लिखा है, तो कहने लगे कि भाई जो भी मिल जाए इसको बड़े सबको दंडवत नमस्कार, तो सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो आशीर्वाद से क्या होगी, आयु बढ़ जाएगी।
एक बार कहते हैं आए संत लोग सब ऋषि, और उसने क्या किया मारकंडेय ने, उन्होंने कहा चिरंजीवी भवा दीर्घायु भवा है सत वर्ष आयु भवा। तो पिताजी खड़े थे, कहने लगे महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हो, ये तो बेचारा बहुत छोटा सी उम्र है इसकी, तो छोटी उम्र में इसका मृत्यु हो जाएगी, आपका आशीर्वाद तो निष्फल हो जाएगा। कहने लगे हमारा दिया हुआ आशीर्वाद निष्फल कैसे हो सकता है। तो वे फिर ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे कि भाई आशीर्वाद दिया हमने, हमारा वचन मिथ्या होगा क्या। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज ये पूछने आके पूछने की जरूरत कहाँ थी, जब संत के मुंह से निकल गया अब पूछने की जरूरत रह गई क्या, मेरे पास क्यों पूछने आए, अब तो अब क्या करूँ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर जो है मारकंडे क्या हुए आपको पता ही है, चिरंजीवी बोले जाते हैं ना, इसकी छोटी आयु तो ये विनीत विनय इसके कारण से विनय के कारण से विनय छोटा बन करके और सत्य प्रिय भाषण करने वाले के सब वश में हो जाते और अपने मन बुद्धि को कहाँ पर स्थिर करना चाहिए, न्याय के पथ पर सत्य के पथ पर, दृष्ट लाभ के लिए भी और अदृष्ट लाभ के लिए भी। अब संसारी लोग दृष्ट लाभ के लिए झूठ बोलते हैं ना, कपट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, धोखा देते हैं दृष्ट लाभ के, लेकिन वो दृष्ट भी लाभ होता नहीं है, वो कमाया हुआ धन व्यर्थ में ही चला जाता है, नहीं जाता है सबको पता है, फिर भी लोग रिश्वत लेते हैं है? फिर भी क्या करते हैं, फिर भी रिश्वत लेते हैं, फिर भी धोखा देते हैं, फिर भी कपट करते हैं, फिर भी चोरी करते हैं, चोरी करते हैं ना, क्या क्या चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी, टैक्स चोरी, क्या क्या करते हैं, करते हैं ना, ऐसे ऐसे विचित्र काम। एक हमारे जैसा आदमी हो वैसा ही काम करते हैं, वो बूढ़ा मैनेजर था ना हमारे, तो उसने भी शुरू शुरू की बात है, शुरू शुरू में तो उसने बुला करके बिजली वाले को थोड़ा मीटर वो करवाया स्लो, उसको 5,000 रुपये दिए और थोड़ा शुरू की बात है वो, फिर हमने कहा सेठ जी ये काम नहीं चलेगा भाई, ये काम गलत है, उसको बुलाओ चाहे पैसे वापस और दो 5,000 पर इसको ठीक करो, अब की बात नहीं है, ये हो गई 15-16 वर्ष तो हो ही गए होंगे कम से कम। देखा जब आश्रम ही चोरी करेगा तो फिर दुनिया है, ये काम आश्रम से शुरू हो गया तो दूसरों क्या कह पाएंगे, मैंने कहा ऐसा काम नहीं करना, तो फिर वापस ठीक करवाए। तो शुरू शुरू में थी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी ना, वो बूढ़ा ही देखता था सब, हमने ठीक कराया। ये शुरू से ही आग्रह रहा है सत्य का और अचोरी, ये सब चीज़ें कि असत्य भाषण चोरी करना झूठ बोलना गाली देना ये सब चीज़ें सीखी नहीं है बाल्यावस्था से, ये होना नहीं चाहिए। कहने का भाव ये है तो न्याय के सत्य के पथ से कभी भी नहीं हटना चाहिए, दृष्ट लाभ भी हो और अदृष्ट है परलोक के लिए, लोक परलोक और मुक्ति मोक्ष अलग है ना, लोक तो ये हो गया, परलोक उसमें सारे लोक आ गया, जो जो आप मानते हो, जो जो भी मानते हो, क्योंकि सबके सब माने हुए ही है। और एक है मोक्ष, वो क्या है, वही एक अविनाशी, बाकी लोक भी नाशवान परलोक भी नाशवान। जब किसी का लोक हो चाहे तुम्हारे बाबा का हो चाहे तुम्हारे दादा का हो, बाबा माने चाहे ब्रह्मा जी का हो, दादा माने चाहे शंकर जी का हो, चाहे किसी और के भी हो, ठीक है ना, वैकुंठ हो, साकेत हो, गोलोक हो, और भी क्या क्या है, सिद्ध लोक भी जो है, सिद्धों के भी लोक है,
बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के भी क्या है, सबके सब लोक नाशवान, लोक भी नाशवान और हाँ जी समाधि यहीं पर हो कहीं और, लोक भी नाशवान और अपनी जो आत्मा चेतन है वही क्या है, वही अविनाशी है और उसकी प्राप्ति ही मोक्ष। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात हो गई है। अब आप लोग आगे देखियो, 21वां श्लोक देखिए। को वंदो यो कार्यरतः को बधिरो यो हितानि न शृणोति को मूको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति कः अंधः यः अकार्यरतः कः बधिरः यः हितानि न शृणोति कामुकः यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। पूछ रहे जी का अंधा, अंधा कौन है, अंधा कौन जानते हो आप लोग, कि जिसके आंखें नहीं, जिसके ये आंखें नहीं उसको आप लोग क्या बोलते हो, कहते नहीं वो अंधा नहीं है। अंधा किसकी बात चल रही, जो बुद्धि का अंधा, जो बुद्धि का अंधा है, स्वार्थ लोभ मोह में आकर के, और जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहा है, अकर्तव्य को करता है, वह क्या है, अकार्यरतः सा अंधा। जो नहीं करना चाहिए उसको जो करता है वो क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलता है तो क्या है वो अंधा, चोरी नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, है रिश्वत नहीं लेना चाहिए, पाप आचरण नहीं करना चाहिए, और ये सब जो कर रहा है वो क्या है, क्या है अंधा। क्यों अंधे, जैसे अंधा व्यक्ति है वो स्वयं को दुख देता है ना, अंधा व्यक्ति चलेगा बेचारा, नाली में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, सर फूट जाएगा, कहीं टकरा जाएगा, अंधा तो वही है ना जो अपने को ही हानि पहुंचाता है। तो वैसे ही जो पाप कर्म करके अपना नाश सर्वनाश करने में लगा हुआ है वही तो अंधा हुआ ना, लोक परलोक जिसका बिगड़ जाता है ना, पाप आचरण करने। अब स्वार्थ में सोचता तो है नहीं, स्वार्थ में आके, लोभ में आके और मोह में अंधा होके सोचता है, नहीं सोचता ना, तो वो अंधा है। ये पता नहीं सारा का सारा कर्म का फल भोगना पड़ेगा, भोगते समय सब रोते हैं, भोगते समय रोते हैं ना, ये तो कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म किया हुआ है वो तो अवश्य में फल देगा, भले ही करोड़ों कल्प बीत जाए। ये कर्म भरम से निकलना इतना सहज नहीं है, कर्म भरम का करो नबेड़ा, आरती में बोलते हैं 84 का मेटो फिर, तो ये कर्म और ये भर्म इनमें उलझा हुआ है ना, कर्मों में उलझा हुआ है, कर्मों का फल भोगने में पराधीन है ये जीव, और भ्रम, भ्रम है ना, भ्रम क्या है,
एक तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, दूसरा अधर्म को ही धर्म समझ रहा है, तो भ्रम है ना, भ्रम में पड़ा हुआ और कर्मों में उलझा हुआ ये जीव बेचारा क्या है, जन्म जन्मांतरों से क्लेश पा रहा। क्या पा रहा है? क्लेश ही क्लेश है, लेकिन बुद्धि इतनी स्थूल हो जाती है ना कि क्लेश भी दुख नहीं लगता, सुख लगता है। दुख भी क्या लगता है? ऐसी बुद्धि हो जाए मोह के कारण से दुख को भी सुख मान, जैसे कुत्ता समझ लेता है, हड्डी को चबाता है मसूड़े छिल जाते हैं, समझता क्या है, हड्डी में स्वाद है, हड्डी में सुख, वैसा ही सुख है या दुख है? दुख है। और आप लोग बड़े चलाक हो, मान करके आगे बढ़ जाते हो, विचारते हो नहीं, इसलिए वो कभी बुद्धि में ना ठहरता है ना चुभता है, हैं? बस पहली बात तो ऊपर ऊपर से मान लेते हो, अंदर से मानने की जरूरत भी नहीं है, हैं? हम क्या बाबा जी है, जो बाबा जी की माने, मानो मत विचार तो करो, हैं? तो वो अंधा है, समझ गए, जो अकर्तव्य में लगा हुआ है, जो नहीं करना चाहिए ऐसे कर्म में जो लगा है वह क्या है, का बधिरा, जी बहरा कौन है, दुनिया आज की दुनिया क्या है, अंधी बहरी दुनिया, जिनको लोभ मोह में और कुछ सूझता है क्या, धन का लोभ और स्त्री पुत्र आदि का मोह, इसके सामने और कुछ उचित अनुचित न्याय अन्याय धर्म अधर्म पाप पुण्य इन किसी बातों का विचार कर रहे हैं। तो आज दुनिया क्या होगी, अंधी बहरी दुनिया है ना, और ऐसी बहरी दुनिया को हम क्या माइक लगा लगा के सुनाते हैं, हिम्मत है ना, नहीं हिम्मत है, बहरी दुनिया को, बहरे को सुनाना आसान काम है, बताओ आप क्यों जी, न चिल्लाना पड़ता है, गला 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 दुखने लग जाता है, ऐसे अंधे बहरे दुनिया हैं, स्वार्थ लोभ मोह में अंधे हो रहे। तो पूछा जी, कहा बधिरा, बहरा कौन है, यो हितानि न शृणोति, जो हितकर बात है ना उन बातों को नहीं सुनता है वो बहरा। हित क्या है, सत्य का पालन करो भाई, है ना, किसी जीव की हिंसा मत करो, है ना, निंदा द्वेष ईर्षा मत करो, सब जीवों पर दया करो, सबसे प्रेम करो, है ना, और अपने दोषों को देखो, अपने दोषों को विकारों को निकालो, है, और जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है परमात्म प्राप्ति के लिए उसको खोजो, है, ये क्या है, ये हितकर बात, और ये हित की बातें जो नहीं सुनता है तो वो क्या हुआ, संत बहरे होते हैं, जो निंदा ना चुगे सुने, निंदा चुगली ना सुने, राग द्वेष की बातें ना सुने, सांसारिक बातें न सुने, वो भी अच्छा है, वो संत लोग भी बहरे होते हैं, इसलिए कहा ना, गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु देवन के देव, ऐसे भी आता है एक वाणी में, गुरु क्या है, गुंगे है, गुरु क्या है, बावड़े, गुरु गुंगे गुरु बावरे,
गुरुजी गूंगे भी है बावड़े भी है। गूंगे क्या है? सांसारिक बातें करते नहीं। से हमारे साथ वो समस्या, हम लोगों से बात करें तो बात करें क्या? सत्संग की बात हम कर सकते, वो उनको नहीं चाहिए और जो उनको चाहिए वो हमें नहीं आती। हाँ, बड़ी समस्या होती है, बड़ी दुविधा। सत्संग की बातें तो उनको नहीं चाहिए, अरे सांसारिक बातें है ना, पता नहीं कितनी खराब हुए है, एक पैसे का रस नहीं आता। किसी को आवाज भी लगानी है उसमें भी आलस आता है, और फोन वोन उठाने की बात तो दूर है। आवाज भी लगानी पड़े तो उसमें भी आलस आता है, कुछ बोलने में भी आलस आता है। अरे समुदेववादी चाहते कि महाराज दफा बार बार बोले कुछ, बोलने की बात करने की आदत हमारी है नहीं। बातों से हमें सख्त एलर्जी को, बातें करना ठीक नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए गूंगा बहरा होना भी ठीक, तो यही देख लो लगभग समझ आया। बहरा कौन है? जो हित की बातें ना सुने वह बहरा। दुनिया अंधी बहरी हुई ना, कामू कहा गूंगा कौन है जी, तो बता दो। क्या पूछा है? कामू का या काले प्रियाणि वक्तुम न शक न जानाती। जो समय पर मीठे वचन ना बोल सके वह क्या है? समय पर क्या मीठे वचन ना बोल सके। तो कल हम सोच रहे थे अपने लिए कि हम तो मीठे वचन तो बोलते नहीं है। मीठे वचन क्या है? अब आपको तो मीठे वो लगेंगे, राजनीति की बात करेंगे हैं इधर उधर, आपको तो वही मीठी लगेगी नहीं। मान सम्मान की बात करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे, तो आपको क्या लगेगी? मीठी लगेगी। हाँ, अब ऐसे जो मीठे, मैं तो मीठा बोल नहीं पाता हूँ, ये मैं कल ही सोच रहा था। मैं मीठा ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना तो चाहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। क्यों? बोलने में आलस आता है। मीठे वचन बोलना, मीठे वचन वो मीठे नहीं हुए। निंदा करना, व्यक्ति को निंदा करना क्या लगता है? निंदा चुगली करना मीठा लगता है? नहीं लगता है, तो इसका मतलब मीठा निंदा चुगली करें, राजनीतिक बातें करें, स्वार्थ लोभ की बातें करें, वो मीठे प्रिय लगने के साथ साथ सत्य भी होना चाहिए ना, और हित भी होना, हितकर भी होना चाहिए। सारम सुष्ठु मितम मधु, वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य भी हो, प्रिय भी हो, और हितकर भी तो होनी जरूरी है ना। क्यों जी? अब ऐसी वाणी जो केवल प्रिय हो, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए क्या? केवल प्रिय है नहीं? तो हम कौन सी वाणी बोलते हैं? सत्य, प्रिय और हित। वो यही है कि संसार असार है, और इसीलिए छल कपट पाप से बचना चाहिए, और अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। यही क्या है? ये हितकर बात हुई ना, तो हित कर बात। तो गूंगा वही है जो समय पर प्रिय, प्रियाणी, तो यहां तीनों समझ लेना, प्रिय के साथ साथ में सत्य भी होना चाहिए और हितकर भी होना चाहिए। सत्य, प्रिय और हितकर वाणी ना बोल सके। अब जो है वैद्य जी है और गुरु जी है और मंत्री जी है, वो मीठा मीठा बोले तो नाश होगा ना।
क्यों जी? यदि वैद्य जो है वो मीठा बोलेगा तो समझो शरीर गया। वैद्य का काम क्या है? ये पथ्य है और ये अपथ्य, ये बिल्कुल मत सेवन कर लेना। यदि ये सेवन कर लिया तो मेरे पास आने की, हाँ वैद्य को क्या होना चाहिए? आजकल के डॉक्टर की तरह नहीं, कुछ भी खाओ पियो रोगी बने रहोगे तो ठीक है ना, दवाई चलेगी जी जीवन भर, लेते रहो शुगर की दवाई जीवन भर, जीवन भर है ना। और जो है ना हर 15 दिन में टेस्ट करवाने आ जाना और महीने में दवाई बदलवाने भी आना, तो उससे क्या होगी? फीस नहीं, अच्छा फीस नहीं बनेगी डॉक्टर की, वो तो चाहेगा नहीं आप कभी ठीक हो। लेकिन वैद्य क्या चाहता है कि आप ठीक हो, इसलिए वैद्य कड़वा बोलते थे और दवाई भी कैसी देते थे, हैं वचन भी कड़वे है ना, ये बिल्कुल मत सेवन कर लेना। एक यहाँ डॉक्टर थे ना, वो बड़ा कड़वा बोलते थे, हैं कहते भाई दवाई पूरा कोर्स करना, पूरा परहेज करना, यदि नहीं करोगे तो फिर मेरे पास नहीं आना दवाई लेने की। एक थे वैद्य ऐसे, यहाँ तो वैद्य को भी कड़वा बोलना पड़ता है और मंत्री भी कहे नहीं ठीक है महाराज जो आप कह रहे हो ठीक है ठीक है, तो समझो राज गया। तो मंत्री का काम भी क्या है? सत्य बोलना, कड़वा बोलना है। और गुरु का काम भी क्या है? हैं, यदि गुरु जी भी कहे कोई बात नहीं चेला कर मौज, हम बैठे हैं, तो समझो धर्म गया। वैद यदि सत्य ना बोले तो शरीर गया, मंत्री सत्य ना बोले तो राज गया, और गुरु सत्य ना बोले तो समझो धर्म गया, अध्यात्म है ना। ये क्या होने चाहिए? सत्य हितकर और प्रिय बोले, जो नहीं बोलता है वो गूंगा है जी, तो समझ गया अंधा बहरा और गूंगा। अंधा कौन? जो नहीं करना चाहिए शास्त्र और संत जिसका निषेध करते हैं, वही जो करता है वो क्या हुआ? अंधा। और बहरा कौन है? जो हितकर वाणी ना सुने। और गूंगा कौन है? जो सत्य प्रिय और हित समय पर ना बोल सके वो गूंगा। हाँ कह ही रहे थे ना इनको शंभुदेव का, सुबह ही कह रहे थे ना क्या, कि संसार को ना तो देखो है, ना सुनो और ना बोलो, ठीक है ना। संसार में कैसे रहना चाहिए? पहली बात तो देखो मत, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हम क्या देखें संसार में, विचित्र विचित्र काम हो रहे हैं। एक तो देखो मत, साधक को नहीं देखना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत। आधा सूत्र दिया, पूरा सूत्र दूं? पूरा सूत्र ये है, देखो मत, सुनो मत और बोलो मत, समझ आए? महात्मा गांधी को पूरा थोड़ा पता था, महात्मा गांधी ने तो आधा सूत्र दिया है, आधा ज्ञान तो आधा ही बताएंगे ना। पूरा सही सूत्र ये है, देखो मत, उपेक्षा कर, जो संसारी है है, उपेक्षा करनी पड़ती है ना, उपेक्षा कर दो, देखो ही मत और सुनो भी मत, और बाकी थोड़ा बहुत देखना सुनना हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो तो बिल्कुल मत। समझ आई बात है? फिर क्या करें जी, मस्त रहो ना, भजन अपना कर्तव्य करो, भजन करो, बाकी ठेकेदारी लेने की जरूरत है नहीं। अपना कर्म कर्तव्य और अपना भजन और आनंद में रहना।
ठीक है ना, जिसको जो मर्जी हो सो करो, ना मर्जी हो मत करो, ये सुधारने की जिम्मेदारी लेना ही तो सारा गड़बड़ है। कुछ सुधारने की जिम्मेदारी लेना, अपने को सुधार लो। वो क्या बोला था सुबह, ये बोला था ना, देखना नहीं और सुनना नहीं और कभी दिख जाए ना और कभी कान में पड़ भी जाए ना तो बोलना तो बिल्कुल भी नहीं। समझ आ गई बात? हाँ, बहुत कुछ हो रहा है ना आपके ऋषिकेश में, तो ये कुछ कह रहे थे कि देखो जी ये हो रहा है वो हो रहा है त्रिवेणी घाट पर, महात्मा का काम नहीं है ना तो देखो। हाँ, जो हो रहा है होने दो, दुनिया बहुत समझदार बहुत बुद्धिमान है, सब अपना भला बुरा सब जानते हैं, सब होशियार है, अपने से तो ज्यादा ही ज्यादा है नहीं। इसीलिए कुछ नहीं करना, अपना अपना सुधार करो, भजन आनंद, ठीक है ना। ये सूत्र है, छोटा सूत्र थोड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा, आगे देखो, 22वां श्लोक देख। किं दानमनाकांक्षं किं मित्रं यो निवारयति पापात् कोलंकारः शीलं वाचा मंडनं सत्यं। किं दानम् अनाकांक्षं किं मित्रं यः निवारयति पापात् कः अलंकारः शीलं वाचा मंडनं सत्यं। हाँ जी, क्या पूछा है? किम दानम, दान क्या है? दान क्या हुआ? अनाकांक्ष, बिना मांगे जो मिल जाए वही क्या है? वही दान। या यूं भी कह दीजिए, बिना मांगे जो दिया जाए, बिना मांगे ही जो दिया जाए, पात्र सुपात्र को देख कर, पात्र अपात्र का विचार करके, है ना। जैसे कोई छका हुआ डकारे आ रही है, उसको कह रहे ले भाई भोजन खा, है डकारे आ रही है छका हुआ है, तो उसको क्या करें? उसको भोजन खिलाना क्या हुआ? व्यर्थ है ना, या कोई अर्थ है उसका? कोई अर्थ नहीं। हाँ, कोई भूखा है, क्या है वो बताते हैं ना बार बार कि उसे कहे दो और दो चार, चार नहीं वो कहते चार रोटी, क्या बोलेगा वो? जो भूखा होगा ना बेचारा, वो कहेगा उसे पूछो दो और दो, रमेश बताते हैं ना दो दो चार रोटी, मतलब भूखा है। तभी तो वाणी पे आ रहा है ना। जैसे जो पात्र है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को औषधि, दुखी को सांत्वना, मीठे वचन, है ये सब क्या है? ये दान है। ये क्या हो गया? मीठे वचन और सम्मान करना। कोई व्यक्ति भयभीत है, दुखी है, अपने आप को छोटा समझ रहा है, उसका सम्मान कर देना, ये भी एक दान हुआ, सम्मान का दान। ये किसका दान हो गया? बहुत तरह के दान होते हैं। और ये ज्ञान का दान, इसका ये सबसे बड़ा दान कौन सा है? जितने भी दान है, सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, अभय दान। इससे बड़ा कोई दान नहीं है ना। बाकी दान, अन्न दान बड़ा है, वस्त्र आदि का दान भी है, लेकिन सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान, अभय दान, जिसको संत लोग
जीव मात्र को देते, क्या देते हैं, और सारे भ्रम से, अज्ञान से, अविवेक से, मूढ़ता से दूर हो गया। ज्ञान से ही तो है। अब जिसको ज्ञान ना हो, जैसे रोटी बनाने का, भोजन का ज्ञान ना हो, रसोई में सब कुछ रखा हो, देखता रहेगा डब्बों की तरफ, किसी में दाल, किसी में आटा, किसी में चावल, किसी में कुछ पड़ा, ज्ञान नहीं है ना। और जिसको ज्ञान है तो वो सारी महिमा ज्ञान की है। कुछ भी काम होता है तो ज्ञान से ही होता है। महिमा किसकी है? ज्ञान की है। और ज्ञान यदि परमात्मा का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, तो ये तो इसकी तो कोई महिमा ही नहीं है। कहा है ना, सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या कौन सी है? वैसे तो बोध ज्ञान, सब तरह के ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन वास्तव में ज्ञान कौन सा है? या विमुक्त है, जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति, जिसके द्वारा मोक्ष की, कल्याण की, परमात्मा की प्राप्ति होवे, वही वास्तव में ज्ञान है, विद्या है। इसलिए इस अध्यात्म विद्या को क्या कहा है? राज विद्या। श्री कृष्ण महाराज ने क्या कहा है इस विद्या को? सारी विद्याओं की राजा है ये विद्या, ये ज्ञान, सारी विद्या, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है ना। तो सबसे बड़ा दान तो ये है जी, ज्ञान का दान। इसलिए ज्ञान यज्ञ बोलते हैं ना, क्या कराते हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेकों प्रकार के जप यज्ञ, ध्यान, अनेकों प्रकार के यज्ञ है, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? है? ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा, बताया ना शुरू में ही, सद्यो हृद्यवरुद्यते त्रकृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा, जैसे ही सुनता है वैसे ही मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। नहीं, अभी हमने आपको कहा बंदर, तो आपका मन कहाँ स्थिर हो गया है? और हमने कहा परमात्मा, तो कहाँ स्थिर हो गया? ये ज्ञान की महिमा, सद्य तत्काल ही, तत्काल ही जो आपका चित्त है वो कहाँ स्थित हो जाता है? परमात्मा में स्थित हो जाता, शुश्रूषु तत्क्षणा, तत्क्षण ही। इसलिए ज्ञान की महिमा है, सत्संग की महिमा है। परीक्षित इसलिए कहता है, ना मुझे यज्ञ करना, ना मुझे व्रत करना, ना तीर्थ करना, मुझे तो केवल सत्संग सुनना है। क्योंकि सत्संग से ही क्या होता है? ज्ञान से, सत्संग से ही तो चित्त ठहर जाता तत्काल। न जप करना, ना तप करना, न व्रत करना, ना तीर्थ करना, ना यज्ञ करना, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है? सत्संग सुनना। तो सारी महिमा सत्संग की है। अब सत्संग का सबसे ज्यादा अभाव किसका हो रहा है? सत्संग का। कथा कहानियां तो खूब चल जाती है, लेकिन सत्संग, सत्संग का जहाँ विचार होवे, जहाँ सार असार का निर्णय होवे, जहाँ पर जगत का स्वरूप बतलाया जाए, जीव परमात्मा का स्वरूप बताया जाए, वही तो सत्संग है। सत्य असत्य का निर्णय हो, वो सत्संग है। अब तो सत्संग क्या, वो राग रागणी ज्यादा चलती है, हैं? गीत, गीत गाने ज्यादा चलते हैं। हाँ जी, चलो बात यहीं पर आओ। तो दान क्या बताया है? जो अनाकांक्षम, बिना मांगे जो प्राप्त हो जाए। कहते हैं ना कि बिन मांगा सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और वा को रक्त बराबर, जानो जामे खींचा तानी। हैं? ये चलता है ना आजकल, बिन मांगा सो दूध बराबर, बिना मांगे जो मिल जाए ना,
हाँ मांगना नहीं चाहिए, भोजन भी कर कुछ भी कर जो मिल जाए ना अपने प्रारंभ से, ये मत मांग रहे मेरे को दो गुलाब जामुन दे दे, क्यों दे दे, क्यों मांग रहे हो आप, क्यों छोटा बन रहे हो है? क्यों अभी तक जीव की तृष्णा नहीं भरी क्या? जो मिल जाए भूख लगी है उसी में संतोष करो, जो आपके प्रारब्ध में होगा। कई बार हमारी इच्छा होती रही, जैसे कुछ भोजन है तो इच्छा होती रही, लेकिन अब हमारा ये रहा कि मांगना नहीं है। कई बार ऐसा रहा पंगत में, हम ये सोच लेते हैं कि अपना प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा, नहीं प्रारब्ध में होगा तो, और ऐसा अधिकतर होता है हमारे साथ ना, इच्छा करती रहती है। जैसे हम भक्तों को जाते हैं ना तो कई बार इच्छा करती है, मान लीजिए कोई चीज़ है और समस्या एक होती है, सब लोग खाते झट झट तो सबकी तरफ सबका ध्यान रहता है, मैं खाता हूँ मेरी तरफ, हाँ ये भी बढ़िया है कि ये तो लगे रहेंगे कभी तक। आदमी सोचते हैं पूछे भाई 10 मिनट पूछ ले, 15 मिनट पूछे, 20 मिनट पूछे, अब हमारा काम चलता है तो इसलिए जो भोजन करने वाले हैं ना हमारे साथ में हम जल्दी जल्दी खाते, इसलिए उनको पूछते भी रहते और देते भी रहते और हमारा चलता है धीरे धीरे और हमारी इसलिए, हाँ ये भी सब तमाशे हम देखते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है, हाँ कभी कभी तो बल्कि हमें कहना पड़ता है कि भाई हाँ, और कभी कभी हम क्या है सोच छोड़ देते हैं कि भाई प्रारब्ध के बोलते जो अपने प्रारब्ध में होगा तो मांगना, तो बिन मांगा सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और वाह को रक्त बराबर जानो, देने वाला लेने वाला खींचा तानी मचे के इतना दे, वो कहे इतना नहीं दूं, ये भी चलता है ना आजकल, सुना है हमने ये भी चलता है, चलता है ना, होना तो ये चाहिए, कोई दे रहा है कि नहीं भाई इतना नहीं थोड़ा, थोड़े में ही काम चल जाए, होना तो क्या चाहिए, दे रहा है तो क्या बोले थोड़े में काम चल जाएगा, दो क्यों दे रहा है, एक की एक से ही काम चल जाएगा, यहाँ होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है कि नहीं क्या चाहिए यहाँ 10 दे, ऐसा सुनते हैं ना, सुना है हमने, ऐसा चलता है समाज में, मांगते हैं है? चलो तो दान वही है जो बिना मांगे स्वाभाविक मिल जाए, और दान बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, देने वाले की मौज और लेने वाले की मौत, किसकी मौज, लोग तो उल्टा समझते हैं, लोग क्या समझते हैं, देने वाले की मेरे हाथ से चला गया, और लेने वाला समझता है मेरी क्या आ गई, उल्टा है जबकि उल्टा, देने वाले की मौज और लेने वाले की मौत, देने वाले ने दे दिया, क्या दे दिया, अपनी समस्या दे दी, अपना संकट दे दिया, अपनी रोग दे दी, दे दिया ना, देने के देने में क्या चला गया, जैसे आपने किसी को अन्न दान कर दिया तो चला गया ना आपके संकट आपकी विपत्ति, चला गया उसके पास, ये आया है, यो यस्यान्नम अस्नाति स तस्यास्नाति किल विषम, जो जिसका अन्न खा रहा है वो अन्न नहीं खा रहा है, वो उसके पाप खा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्याणाम पापमाश्रित्य तिष्ठति, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति, यो यस्यान्नम अस्नाति स तस्यास्नाति किल विषम, मनुष्य के जो पाप है ना वो उसके अन्न के आश्रित रहते, पाप की कमाई बोलते हैं ना, तो मनुष्य के पाप कहाँ रहते हैं, उसके अन्न के आश्रित रहते हैं, और जो उसका अन्न खाता है वो वास्तव में अन्न नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है, उसलिए अन्न खाए तो उसके नाम का क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं हाँ वो सारा जो ऋण है बोझा है वो तो उतारना पड़ेगा ना, हाँ तो इसलिए खाने वाले की मौज नहीं है, मौज किसकी है, हाँ इसलिए जो खिलाता है वो बड़े सम्मान से खिलाता है,
तिलक लगाता है, ऊंचे आसन पर बैठाता है, माला पहनाता है, पूजा करता है ना, जैसे बलि देने, बलि देने से पहले क्या करते हैं तो उसको आभार करते हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप, हमारा सारा भार ले रहे हो ना भार, तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है कि आप हमारा भार ले रहे हो। इसलिए सदा देने वाला सम्मान करता है लेने वाले, कन्या का भी दान करते हैं ना, तो जो देने वाला है ना उसको सम्मान करना चाहिए। यदि तिरस्कार पूर्वक दिया तो फिर वो दान नहीं है, यदि आपने लेने वाले का सम्मान नहीं किया ना फिर वो दान नहीं है। छोटा बन के दिया जाता है और लेने वाले को बड़ा बना के दिया जाता है कि आप हमारे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भार, बोझ, बीमारी, रोग, सब कुछ तो आप ले रहे हो। हाँ, तो देने की ये क्या, ये मर्यादा होती है, लेने देने की मर्यादा, समझ आया। हाँ, तो सम्मान पूर्वक दिया जाता है वो दान है, और जो दिखावे के लिए दिया जाता है वो राजसिक दान है, और जो तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वो तामसिक, उसका कोई मतलब नहीं, समझ आया। हाँ, तो दान बता दिया जी, अनाकांक्षम बिना मांगे, देने वाले की मौज आ गई ना और लेने वाले की मौत आ गई, इसलिए लेने वाले को बहुत सावधानी से लिया जाता है। पहले महात्मा लोग दग्ध हस्त बोलते थे कि दान लेकर के हाथ क्या है, हाथ जल गए, दान लेने से क्या है, हाथ जले हुए, अरे तो दग्ध हस्त है, मतलब इसने दान लिया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, दान लिया हुआ। वो जिम्मेदारी होती है कि जो है वो सदुपयोग होवे, जीवों के काम में आवे, अपने ऊपर खर्च ना किया जावे, स्वयं का जीवन त्याग तपस्या युक्त तो होवे, ये जिम्मेदारी होती है, समझ आया। हाँ, ऐसे नहीं है कि फिर उसमें लेवे आराम मौज, दान की ये मर्यादा होती है। दग्ध हस्ता, दग्ध हस्त जला देते, चलो बस इतना ही सुनाऊंगा इस विषय में, और भी ज्यादा क्या बताऊं, इतना बहुत है दान। किम मित्रम, मित्र कौन है यो निवारयति पापात, जो पाप से आपको हटाए वो मित्र है, और जो पाप में लगाए वो, यदि घरवाली कहती है रिश्वत ले लिया करो, मित्र हुई शत्रु हुई, शत्रु हुई। कई लोग बड़े चलाक है, हमारी हमारा अनुमोदन चाहते हैं हमारा। हाँ, कह जी महाराज जी हम वो काम करते हैं, तो साथी कि महाराज जी उसमें क्या करते हैं कि ठीक है भाई वो कोई बात नहीं, हम क्यों करें, ठीक है भाई, जो गलत है वो गलत है। रिश्वत लेना, झूठ बोलना, कपट करना, धोखा देना, चोरी करना, चाहे वो समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे किसी और की हो, गलत है तो गलत है। लोग चाहते कि महाराज जी बोल देना है, तो हमारा दूसरे के साथ किया हुआ धोखाधड़ी भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, महाराज जी ने कह दिया, हम क्यों कहें। गलत है भाई, गलत है, ठीक है ना, हमें तो कोई किसी से आशा है नहीं है, तू दान करता फिर सारी दुनिया में अरब खरब कर, हमें क्या दिल्ली से मतलब है, हमें तो कोई मतलब नहीं है, दो रोटी से मतलब वो शरीर के प्रारब्ध से मिलती है, लेकिन हम क्यों असत्य बोले, जो सही है वो कहेंगे, जो गलत है गलत है। तो मित्र वही है जो आपको पाप से हटाए, और जो पाप में लगाए वो शत्रु, कोई भी हो जाए, अधर्म से, पाप से, अनीति से जो बचाता है, सन्मार्ग पर जो लगाता है,
धर्म के मार्ग पर लगाता है वह मित्र है। कह अलंकार शीलम वाचा मंडनम सत्यम। हाँ जी, तो पूछते हैं कि जी वाणी का अलंकार क्या है, वाणी का भूषण क्या है? शीलम और सत्यम क्या है? एक तो शील, शील माने नैतिकता, शील माने सदव्यवहार सद आचरण, बताया था ना शील में सब आ जाता है, बहुत व्यापक अर्थ है शील का। शील रतन सबसे बड़ा, ऐसा बोलते हैं ना, जब तप संयम बंदगी सभी शील के माही, ऐसे भी करके आया, जब तप संयम बंदगी सभी शील के माही। शील, शील माने जो नैतिक आचरण है, सद आचरण है, जो सत्य व्यवहार है, वो सब शील में आ जाता है। तो यहां पर विनय अर्थ कर लीजिए, यहां पर शील का मतलब क्या कर लेना है, विनय। वाणी का पूछा है ना, वाणी कि वाणी का भूषण क्या है, अलंकार क्या है, तो विनय और सत्य भाषण। एक तो सत्य बोलना और दूसरा डींगे नहीं हांकना, आत्म प्रशंसा नहीं करना, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना, विनयशील छोटा, विनयशील और सत्य, ये वाणी के वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बार खोल। समझ आया, ऐसी गाली वाली बकते रहते हैं। वाणी तो अनमोल, कई लोग बोलते हैं ना, बोलते क्या है, उनकी वाणी से फूल झड़ते। कौन बोलते हैं? हमारे गुरुजी का बोलना वो सबको पता होगा नहीं सर, ऐसा मीठा बोलने वाला शायद आपको कोई टकराया नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कोई टकरा गया हो धरती पे, टकराया कोई? ऐसा मीठा और ऐसे सुंदर शब्द बोलने वाला, शब्द भी बहुत ऊंचे ऊंचे, साधारण शब्द नहीं बोलते थे, दयालु कृपालु करुणा के सागर, आइए आइए ऐसे बोलते थे ना, आओ आओ, कभी बोला आओ ऐसा बोला कभी? क्या बोलते थे? आइए आइए, सबको सम्मान दें। सत्य कहता हूं, इतना मीठा बोलने वाला, इतना सुंदर कि बोलने में भी क्या फूल झड़ते हैं, इतनी सुगंध सुगंध है बोल वाणी, वो हमारे गुरुदेव की रही। हमारे तो नहीं, हमारा तो क्या है, कठोर है, लेकिन हमें कठोर ही प्रिय है, वो भी जरूरी है, अनुशासन के लिए मर्यादा के लिए कठोरता जरूरी है, नहीं जरूरी है, हाँ ऐसे हुआ करता है। तो ये वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिया तराजू तोल के, पहले क्या करो, सोचने से पहले विचार लो, देख लो क्या परिणाम होगा इसका, तब मुख बाहर खोल, उसके बाद बोल, है ना। कुछ ज्यादा तोलना भी ठीक नहीं होता, कुछ लोग तोलते रहते, जैसे मेरे जैसा आदमी तोल ही तोलने तोलने में, तो मैं बोलने में तोलता बहुत ज्यादा हूँ। अब लोग समझते होंगे कि महाराज जी बोलते रहते धारावाहिक,
अब आपको क्या पता कि कंप्यूटर कितनी तेजी से, वो होती है ना एक वो मशीन आती है सोरटेक्स मशीन चावलों की, वो क्या करती है काला दाना अलग, पीला दाना अलग, टूटा दाना अलग और सही दाना, ऐसे चलती हो सोरटेक्स मशीन। तो वैसी वो मशीन क्या है हमारे अंदर चलती रहती है, क्या बोलना कैसे बोलना कितना बोलना किस समय बोलना, बोलते हुए भी कहा क्या आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, इस शब्द का अर्थ कुछ और तो नहीं लगा लोगे, कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, इतना कोई नहीं सोचता है। सबको मतलब क्या होता है, कह देने से मतलब होता है ना। हम कोई वक्ता कथाकार होगा बोल देते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अब से नहीं है, शुरू से जो स्वभाव बन जाता है, बात है स्वभाव की, स्वभाव बन गया ना बहुत पहले से ही बोलने का, ऐसा कि जो भी बोलना है वो इतना स्पष्ट होना चाहिए और पूरा व्यवस्थित होना चाहिए और बिल्कुल असंदिग्ध होना चाहिए, कोई संदेह पैदा ना हो और कुछ अलग अर्थ ना लगे। अब इतनी बातें सोच विचार के तब बोलना होता है, है? तो इसलिए तो थकावट तो होगी ना, फिर शरीर तो थकेगा ही, दिमाग भी थकेगा, ये बात है जी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तोल के और फिर वाणी का अलंकार क्या बताया है, शील और सत्य, शील माने विनय, नैतिकता, सद आचरण हो। अब वाणी तो कहे और आचरण करे उससे विपरीत, वाणी से तो बोले और जो बोल रहा है आचरण कर रहा है उससे बिल्कुल उलट, तो बोलने का कोई अर्थ हुआ क्या, वो बोलना तो बिल्कुल निष्फल है। और निष्फल निष्फल नहीं, उसके द्वारा समाज का बहुत बड़ा अहित होगा, इसलिए वक्ता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी होती है। अब वक्ता बोल तो रहा है और कर रहा है उससे विपरीत, तो श्रोताओं पर उसका प्रभाव सही पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा, तो यही तो समस्या हो रही है आज। आज समस्या श्रोताओं पर वक्ताओं की वाणी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता है। तो क्या वाणी अच्छी अच्छी नहीं बोल, वाणी तो बहुत अच्छी बोली जा रही है, शब्द तो बहुत अच्छे बोले जा रहे हैं, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वक्ता का आचरण अधिक महत्व रखता है। वक्ता क्या बोल रहा है उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वक्ता का आचरण वो अधिक महत्व। चलो जी आज इतना ही रखिए, समय ज्यादा हो गया। ओ oh।